ऐसा ना समझे कि बार बार कहा जा रहा है, बार बार इसलिए कहा जा रहा है कि इंपॉर्टेंट चीज़ें बोल के बार बार कहा जा रहा है। अगर ये नहीं सीखेंगे तो सब जितना भी सीखेंगे बेकार हो जाए। ईमान इंपॉर्टेंट है। और मसनवी शरीफ में और एक मिसाल देते हैं मौलाना रूमी रहमतुल्लाह अलैह के, एक बैल मंडी होती है, बैल मंडी में क्या होती है, एक बैल होती है, एक मंडी होती है, तो जो सारा वजन जो होता है बैल पे होता है, और जो आवाज़ें जो आती है औलियाल्लाह फरमाते हैं, जो मसनवी शरीफ में फरमाते हैं कि जो चू 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 आवाज़ आती है वो बंडी से आती है, मतलब जो असल जो वज़न उठा रहा है वो खामोशी से चल रहा है, और जो कुछ भी वज़न नहीं उठा रहा है जो बंडी है वो आवाज़ें कर रही है। तो औलियाल्लाह ये फरमाते हैं कि जो अमल करता है, जो ईमान वाला होता है, वो हमें अपने काम में लगा होता है, जो मकसद के लिए इसको पैदा करे वो काम में लगा होता है, और वो आवाज़ें नहीं करता। असल जो काम करने वाला है यानी ईमान वाला, जो अमल करने वाला है असल ईमान के साथ, वो अपना काम करता है, चू चू नहीं करता, मैं ये करा। जो अमल नहीं करता, जो कुछ भी बोझ नहीं उठाता, यानी ईमान सीखने की प्रैक्टिस नहीं करता, वो कहता है मैं ये कर लिया भाई, नमाज की ट्रेनिंग ले लिया भाई, मैं ज़कात कर लिया, हज कर लिया, वो ईमान नहीं सीखा, अमल करके समझ रहा है मैं कामयाब हो गया समझ। तो जो असल जो काम कर रहा ना वो आवाज़ें नहीं करता। तो औलियाल्लाह इसलिए क्या है, औलियाल्लाह खामोश होते कि वो कहते नहीं, अपनी बड़ाई नहीं बयान करते। जो खाली अमल करता है, जो शैतान क्या करता, ईमान निकाल लेता तो और अमल में लगा लेता, जो अमल में लग गया, सिर्फ अमल में लग गया, वो आवाज़ें करता है चू चू चू, जिस तरह बंडी कर रही है आवाज़, वो अमल में लग जाता कि मैं ये करा, मैं इतनी किताबें पढ़ लिया, मैं इतने किताबें लिख लिया, वो किताबें, वो जो लिखा, वो जो पढ़ा, वो जो करा, वो सब बेकार हो गए उसके। क्यों? उसके ईमान नहीं। ईमान वाला जो है अमल करता और खामोश रहता, मौला के सामने गिड़गिड़ाता, ज़्यादा आवाज़ नहीं करता, उसको मालूम है अपनी हकीकत क्या है, अपनी हकीकत को मालूम करता, मौला से गिड़गिड़ाते रहता, मौला मेरे से ये गलती होगी, मौला मेरे से ये गलती। तो ये आजीजी, ये इंकेसारी, ये मौला, ये फ़कीरी, ये मोहताजी मौला की कब आएगी? अब ईमान आएगा तो आएगी। ईमान इंपॉर्टेंट है। जब तक ईमान नहीं सीखेंगे तो ये आजीजी इंकेसारी नहीं है। ईमान ज़रूरी है, ईमान अहम है। अमल कितने भी कर ले मगर ईमान के साथ करना है। ईमान आएगा तो दिल की फरमाबरदारी होगी। जब दिल फरमाबरदार होगा तो जिसम ऑटोमेटिकली फरमाबरदार होगा, क्योंकि दिल बादशाह है और दिमाग जो है वजीर है, जो आजा जवार है वो सिपाही है। तो बादशाह सही होना सबसे पहले, औलियाल्लाह फरमाते हैं सबसे पहले अच्छा बादशाह होना, यानी बादशाह सलामत होना, बादशाह जो है ना सेहतमंद होना, तंदुरुस्त होना, इसमें कीना हसद जलन कुछ नहीं होना, इसमें जो है ना वो सलाहियत होना। वो सलाहियत कैसा होगा, वो सेहतमंद कैसा होगा, जब ईमान सीखेगा तो आएगा।